और भाई लोग कैसे हो सब यार। मैं ना काफ़ी देर से फार्म्स में उतर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली है फार्म्स के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए कुछ टिप्स और ट्रिक्स फार्म्स के बारे में जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। ठीक है, और मैंने ये काफ़ी चीज़ें ढूंढी है इसके बारे में, तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और ये टिप्स भाई हर वक्त आपके काम आएगी। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हाँ, बट मैं आपको हर वक्त बोलता हूँ कि कभी कभी भाई टिप्स भी काम नहीं आती, तो ये मत सोचना कि ये नहीं आएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम भाई ये टिप्स आपके काम ज़रूर आएगी। ठीक है, तो भाई वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग हम लोग इसमें तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक सबसे पहले लैंड कहाँ होना है, दूसरा गाड़ियाँ कहाँ से मिलती है, किस किस रूट पे गाड़ी खड़ी होती है, और तीसरा इसकी ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लैंड कहाँ होना है। देखो भाई, फार्म्स में तीन जगह है, एक अपर वाली, एक मिडिल वाली, एक लोअर वाली, जहाँ पे वो राक्षस भी होता है, ठीक है ना, जिसको मारना होता है। तो भाई उतरे, देखो भाई अगर आप चाहते हो कि सबसे अच्छी अच्छी गन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, तो भाई मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा मिडिल में उतरो, क्योंकि मेरी आपने जितनी भी वीडियोज़ देखी होगी मैं हमेशा मिडिल वाले पोर्शन में उतरता हूँ फार्म्स के, और मुझे अच्छे से गन मिल जाती है कोई ना कोई। हाँ, लेकिन जो वेस्ट वगैरह होती है उसको लेने के लिए मेरे को नीचे वाले एरिया में जाना पड़ता है, क्योंकि भाई वहाँ वेस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, ऊपर वाला एरिया भाई वहाँ एक तो ज़्यादा बंदे उतरते हैं, लेकिन वहाँ पे घर बिल्कुल कम है। आप अगर उतरोगे आपको गन नहीं मिली तो आपका पहला जाना ज़्यादा वो होगा, क्योंकि भाई देखो छोटे घर हैं और क्या पता वहाँ लूट ना हो, तो फिर कोई पता नहीं आप बचोगे वहाँ की नहीं। लेकिन भाई नीचे वाले एरिया ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर आते नहीं हैं बंदे। ठीक है, तो आप वो वाला एरिया लूट सकते हो मिडिल वाला, और फिर उसके बाद लोअर वाले पे जा सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई जल्दी जल्दी बात करते हैं गाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ फ्लैग्स दिखेंगे मैप के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है इसके ऊपर कुछ फ्लैग्स दिखेंगे, तो वो जो स्पॉट्स होते हैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली गाड़ी मिलेगी, हर टाइम गाड़ी होती है फार्म्स में। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई गाड़ी के बिना ही आप निकलो वहाँ से, वहाँ पे हमेशा गाड़ी लगी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ होती है गाड़ी। देखो ये जितने जितने स्पॉट्स पे आपको मैप दिखेंगे ना, वहाँ पे हमेशा आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रही होगी, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है गाड़ी कहाँ, तो आप उसको पॉज कर करके देख सकते हो, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है ना, उसको पॉज करके। तो भाई बढ़ते हैं भाई अगली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है इसकी ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और थोड़ी बहुत टिप्स आपको दूंगा मैं, तो बढ़ते हैं भाई। तो भाई मान लो इस हाउस के अपोजिट बिल्कुल आपके एनिमी खड़ा है, ठीक है, और वो आप पे स्ट्रॉन्ग टीपी भी ले रहा है और अपना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। ठीक है, आपको उसने बड़ा डैमेज दिया वगैरह वगैरह और टैकल भी किया है। ठीक है, तो आप उसको कैसे मारोगे, उसको ऐसा पता भी चलेगा भाई कि आप कैसे आ गए। ठीक है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये देखो आपको क्या करना है। तो भाई अभी आप सोच रहे होगे यार तूने ये क्या ट्रिक बताई यार, ये कोई काम की ट्रिक नहीं है, उसको फुटस्टेप्स आ जाएंगे। लेकिन भाई मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, उसको बिल्कुल फुटस्टेप्स नहीं आएंगे। उस टाइम पे एनिमी पैनिक होता है और उसको फुटस्टेप लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और ऊपर से अगर आप निंजा हो तो भाई आपके इतने लेस फुटस्टेप्स आएंगे, उसको पता नहीं चलेगा आप कहाँ से पीछे से आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार ट्राई करो, मैंने बड़ी बार ट्राई किया। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो उधर आके देख लो, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये क्या था, मेरा एनिमी मेरे बिल्कुल अपोजिट खड़ा था, बट वो मेरे पास आया नहीं, वो उधर से किसी और को मारने गया, बट मैंने क्या किया आप देखो। तो ये चीज़ भाई आपके बहुत काम आएगी। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं फिर भाई अगली वाली ट्रिक की ओर। तो भाई मान लो आपका एनिमी ऐसे वाले हाउस में ऊपर कैंप कर रहा है, चाहे वो एक हो चाहे दो चाहे चार क्यों ना हो, आप उसको तब भी मार सकते हो, और वो देखो कैसे। अभी आप अगर सोलो खेल रहे हो तो क्या करना है, आपको सिंपली अंदर जाना है, क्या करना है, थोड़ा सा डैमेज देना उस बंदे को या थोड़ा सा फायर कर देना, और जल्दी जल्दी भाग के निकल के यहाँ से ऊपर आ जाना है और उसको मार देना है। तो भाई अगर आप चार के साथ खेल रहे हो और आप चारों जिंदा हो, टीम आपकी जिंदा है, तो भाई हीरो बिल्कुल भी मत बनना, एक बंदे को ऊपर चढ़ा देना है इसके ऊपर, और एक बंदा नीचे से जाना, वो नीचे से कन्फ्यूज़ करेगा और वहाँ से बंदा नेड़ मार देगा या कुछ भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेले हीरो बन के जाओगे तो क्या होगा, उनमें से एक बंदा पीछे से कूद के नीचे आपके आपको ही पेल देगा। तो ये एक एग्जांपल देख लो पहले आप। तो क्या हुआ, इसकी एक पूरी स्क्वाड थी, उसके तीन बंदे मैंने ख़त्म कर दिए थे, तो ये उसका डॉग टैग लेके भाग के यहाँ आ गया था, तो और कैंप कर रहा था उसके ऊपर। तो देखो फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी ये चीज़ करनी है। तो बढ़ते हैं भाई फिर अपनी अगली ट्रिक की ओर, जो है इन वाले हाउसेस में। देखो भाई अगर आपका बंदा इस साइड से कैंप कर रहा है आपके अपोजिट वाली साइड से, तो आप उसको कैसे नॉक करोगे। ठीक है, आपको वो घर के अंदर आने नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इस दरवाजे के ऊपर चढ़ना है, और इस दरवाजे के ऊपर से चढ़ के उसके अपोजिट वाली साइड या कोई आगे पीछे कवर हो तो वहाँ जाके सीधा जंप मार के उसको पेल देना है, ओपन में नहीं। अगर आप जंप मारोगे किसी कवर में तो आपके बचने के चांसेस डबल हो जाएंगे, तो आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है ना भाई, यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो अच्छा है। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली ट्रिक की ओर, जो कि है इन
वाले जो ये चर्च टाइप है इसके अंदर। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है यार, जब हम स्टार्टिंग में उतरते हैं ना तो हमें कभी कभी ग्रेनेड्स वगैरह नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो कम होते हैं। और अगर बंदे इन वाले घरों में कैंप कर रहे होते हैं तो भाई उनको ग्रेनेड मार के भी कभी कभी वो बच जाते हैं, तो क्या करें, अंदर कैसे जाए? तो भाई देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। यहाँ से ये चढ़ने की जगह है, यहाँ से आप तभी चढ़ सकते हो जब आपका आपके साथ एक टीममेट होगा। अकेले आप बिल्कुल नहीं चढ़ पाओगे, तभी चढ़ पाओगे जब आप निंजा हो, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने टीममेट को बिल्कुल कोने में क्राउच करके खड़े रख देना है और भाई उसके ऊपर जंप मारनी है और आप चढ़ जाओगे, जैसे मैं अभी चढ़ा यहाँ पे। तो फिर भाई आप छेद में से जंप मारो नीचे और किसी एक को नॉक करो, टीममेट आपकी अंदर आ जाएगी उसी टाइम। या तो आप भाई दूसरी साइड से देखो, कुछ भी कर सकते हो आप, वहाँ से ही नॉक करके ख़त्म भी कर सकते हो अगर इन जगहों पे बैठे होंगे बंदे, और वो सरप्राइज हो जाएंगे। तो अगली टिप पे चलते हैं भाई जल्दी जल्दी से। तो मैंने देखा है भाई बड़े बंदे क्या करते हैं जब ये राक्षस को मारने जाते हैं ना, वो यार गोलियों से मारते हैं। भाई गोलियां क्यों वेस्ट करते हो यार, गाड़ी पड़ी है यार उससे मारो। और जो बंदे गाड़ी से मारते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली गाड़ी खड़ी रख देते हैं वहाँ पे, और बस बंदा ऊपर से मार रहा होता है, चला रहा होता है धीरे धीरे करके, तो राक्षस भी डैमेज दे रहा होता है। और अगर कोई स्नाइपर आ गया, जैसे मैं कभी कभी क्या करता हूँ, थर्ड पार्टी कर लेता हूँ उनके ऊपर, तो सिंपली मैं नॉक कर देता हूँ बंदे को और ख़त्म कर देता हूँ। तो भाई ऐसा करना है आपको, देखो गाड़ी एकदम गोल गोल घुमानी है राक्षस के अपोजिट, ताकि कोई भी स्नाइपर आप पे एम ना लगा सके। अब भाई वो अलग बात है मेरी कि मैं गाड़ी के साथ खड़ा हूँ, मैं इसलिए सिंपली ऐसी स्नाइपर चला रहा हूँ। तो भाई लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो बंदा गाड़ी के ऊपर बैठ के गोलियाँ मार रहा होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। मैं तो मूव कर लूँगा, बाकी वो नहीं मूव कर पाएगा। तो भाई ध्यान रखो इस चीज़ का। तो भाई आपको अगर ये ट्रिक के बारे में नहीं पता था और आपको पता चला और ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ कैस करूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भाई लाइक कर देना वीडियो ज़रूर से, और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म की वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर भाई अगली ऐसी फैंटास्टिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक फैंटास्टिक वाला गुड बाय।